मैं हूं गौरव और जरा इसे देखो, ये है वो प्लैनेट जिसपे लाल तपते लोहे की बरसात होती है, वो भी सिर्फ आसमान से जमीन पर नहीं, जमीन से आसमान की ओर तो कभी लेफ्ट टू राइट। और ऐसे एक और एक प्लैनेट है जहाँ पर कांच के टुकड़ों की बारिश इतनी तेज होती है कि आज तक पृथ्वी पे आए सबसे फास्टेस्ट हरिकेन पेट्रिशिया से 3 लाख गुना कम है। इसे देखो, इस प्लैनेट से लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती। और ये सुनते ही आई नो आपके दिमाग में एक ही चीज आई होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स हाई होना, राइट? बट यहाँ पर आप गलत हो। लाइट ना रिफ्लेक्ट करने के पीछे का रीजन तो कुछ और ही है, और वही कुछ और अगर आप वहां पर गए ना, बलून के जैसे फुला के फोड़ने की ताकत रखता है। अब वो क्या है और भी ऐसे ही स्केरियस्ट प्लैनेट्स कौन से हैं इन आवर यूनिवर्स, वेल लेट्स डिस्कवर टुगेदर। प्लैनेट नंबर 1, वैस्प 76b। ब्लू कलर देखते ही आपको ये काफी काम, रिलैक्सिंग और पीसफुल प्लैनेट लग रहा होगा, लेकिन आई वुड जस्ट से डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बिकॉज सबसे हॉटेस्ट फ्लेम भी ब्लू कलर की ही होती है। सो अब समझ जाओ ये कूल प्लैनेट है या फिर हॉट। अब अगर हम इसके डरावने फीचर्स की बात करें ना, तो इसकी हॉटनेस और एक बड़ा सा गैशियस जायंट होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे द अल्ट्रा हॉट जुपिटर का नाम दिया है। इनफैक्ट ये तो ऐसा एक प्लैनेट है जो अपने ही होस्ट स्टार से आए हुए 94% रेडिएशन को अपने अंदर ट्रैप करने की कैपेबिलिटी रखता है। एंड नाउ यू नो व्हाई ऑल दैट हीट। बट अब आता है इसका मोस्ट डेंजरस पार्ट। ये एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर पानी की नहीं बल्कि पिघलते हुए लोहे की बरसात होती है। यस, गरम लाल तपतपाता पिघला हुआ लोहा। लेकिन अब क्योंकि ये ठहरा एक गैस जायंट, मतलब ऑब्वियस है ये एक सरफेसलेस प्लैनेट है, और इसीलिए यहाँ बारिश की बूंदे कौन सी डायरेक्शन से आकर हम पर टपकेगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। प्लस इस मोल्टन आयरन बारिश की एक एक बूंद का टेम्परेचर ही 2400 डिग्री सेल्सियस जितना होता है, मतलब यू समझो ये इतना गर्म है कि इसमें मेटल्स उसके एटमोस्फियर में कदम रखे उसके पहले ही हुश सेकेंड्स के अंदर ही बड़े आराम से वेपराइज हो जाते हैं। तो सोचो अगर गलती से भी हमें इस प्लैनेट पर कदम रखना पड़े तो हमारा क्या हाल होगा, तुरंत आयरन स्टैच्यू में तब्दील होकर पिघलना कुछ ही सेकंड्स का काम होगा। अब इसके इतना डेंजरस होने के पीछे की वजह क्या है पता है? ये भी अपने चांद के जैसे टाइडली लॉक्ड है। यस, जब 2013 में इसे ईशेल स्पेक्ट्रोग्राफ फॉर रॉकी एक्सोप्लैनेट्स एंड स्टेबल स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस एस्प्रेसो द्वारा ढूंढ लिया गया था, तब पता चला कि ये प्लैनेट अपने होस्ट स्टार से इतना स्ट्रॉन्ग टाइडली लॉक्ड है कि ये बिल्कुल रोटेट ही नहीं होता, जिसके कारण इस पर एक साइड हमेशा डे और दूसरे साइड हमेशा नाइट रहती है। और इसीलिए यहाँ पर एक बात तो साफ है, एक साइड हमेशा हॉट और दूसरा साइड कंपैरेटिवली कोल्ड रहेगा, और यही तो वजह है जिसके कारण वहाँ पर आयरन की बारिश होती है। और कैसे? वेल, ये गैशियस जायंट है ये तो क्लियर है, और अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स हमें ये भी पता है कि हॉट एयर हमेशा कोल्ड एयर की तरफ बढ़ती है। तो बस बात साफ है, डे साइड वाले मेटल्स के गैशियस क्लाउड्स हॉट होते ही कोल्ड साइड में जाने लगते हैं, जहां वो लोअर टेम्परेचर की वजह से कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है बताओ? यस, बारिश। और इसीलिए होती है यहाँ पर तपतपाते मेटल्स की बारिश। नाउ डज दिस साउंड लाइक समथिंग न्यू, समथिंग एक्सोटिक टू यू? तो बस आराम से, ये एग्जॉटिक का खिताब तो इसे रिसेंटली मिला है, इसके पहले एग्जॉटिक का क्राउन तो HD 189733b इस प्लैनेट के पास था, जिसमें लाइक लिटरली कांच के टुकड़ों की बारिश होती है, वो भी मुसलधार। एंड माइंड यू, वेल उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा है कि कांच के ये नुकीले टुकड़े बुलेट की स्पीड से गिरते हैं। जस्ट इमेजिन ऐसे किसी प्लैनेट पर पैर रखा तो स्पेस सूट के साथ बॉडी की तो छलनी हो जाएगी। लेकिन इस ऑब्जर्वेबल रेडियस के बारे में हम प्लान्स और मिशंस बना रहे हैं टू एक्सप्लोर, पर इस ऑब्जर्वेबल रेडियस के दुनिया के बाहर की दुनिया का क्या? क्या हम कभी उस दुनिया को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास इतना सारा स्पेस नॉलेज सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि एंशियंट टाइम से है, बट हमारे पास जो कुछ नहीं है वो है वक्त, जिसके चलते हम इन चीजों को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बाय स्टीफन हॉकिंग और द स्पेस किलर बाय अमन एजे, ये ऐसे ऑडियो बुक्स है जो आपको आंखें बंद करते ही स्पेस को एक्सप्लोर कराती है, और इन्हें आप सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाने की शुरुआत आप कर सकते हो कुकू एफएम ऐप के साथ। कुकू एफएम ऐप इंडिया का ऐसा ऑडियोबुक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे नॉलेजेबल बुक्स के साथ-साथ सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, मोटिवेशन, करियर, लीडरशिप, मैनेजमेंट जैसे कई जॉनर्स के बुक्स मिलेंगे, वो भी हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेज में। टाइम नहीं होने की प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते
सकते हो मल्टीटास्किंग करते वक्त सुन के, और इंग्लिश नहीं आने की समस्या से आप डील कर सकते हो इनके हिंदी लैंग्वेज के ऑडियो बुक्स को सुनकर। यहाँ पर आपको 4000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट मिल जाएगा ऑडियो फॉर्मेट में। और सबसे मजेदार बात है, इनका ईयरली सब्सक्रिप्शन एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है। 399 रुपीज पर ईयर वैसे तो इसका कॉस्ट है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको सीधा 50% डिस्काउंट, यानी कि सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर में आप इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यूज माई कूपन कोड GS50, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करो और जाके ऐप को इंस्टॉल करो और अपने आप पर और अपने लर्निंग पर भी इन्वेस्ट करना शुरू करो। बट दिस ऑफर इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट 250 यूजर्स। और अब लौट आते हैं हमारे वीडियो पर। अब आते हैं हमारे स्कैरियस्ट प्लैनेट नंबर 2 पर, कोरोट 7b। सिंपल शब्दों में 2 हेल्स इन 1। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो आपको सिर्फ इसकी इमेज को देखकर ही समझ आ जाएगा। ये प्लैनेट कम एक रेड जायंट स्टार ज्यादा है, और इसके इस लाल मैग्मा जैसे हालत के पीछे का मेन रीजन है प्लैनेट और होस्ट स्टार के बीच की दूरी। सो सबसे पहले तो इसका होस्ट स्टार हमारे सूरज से 360 गुना ज्यादा विशाल है, और ये प्लैनेट अपने सूरज से अर्थ के मुकाबले 60 टाइम्स ज्यादा करीब है। मतलब सिंपल शब्दों में ये इतना पास है कि 80% सन से आने वाली रेडिएशन से ये खुद को बचा ही नहीं पाता। तो जाहिर सी बात है इसका ये हाल तो होना जायज है, राइट? और अगर इसके टेम्परेचर की बात करें तो ये चुटकियों में बड़े से बड़े पत्थर को भी पिघला के भाप बना देने की क्षमता रखता है। मतलब हमने जो अभी प्लैनेट देखा ना, कुछ उसी की तरह। एंड यू नो व्हाट, ये भी पहले वाले की तरह टाइडली लॉक्ड है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी एक साइड डार्क और कोल्ड है, जहाँ जाते ही आप इंस्टेंटली फ्रोजन स्नोमैन में कन्वर्ट हो जाओगे, और दूसरी तरफ इंटेंस सनलाइट और हीट, और इसीलिए यहाँ पर भी कॉन्डेंसेशन की वजह से बारिश होती है, पर हाँ लोहे की नहीं बल्कि रॉकी वेपर्स से फॉर्म हो रहे पेबल्स की, आसान भाषा में पत्थरों की। अब आप ही सोचो आसमान से पत्थर बरस रहे हो तो बहुत मजा नहीं आने वाला है। और ये पत्थर लाइट की स्पीड के 10% स्पीड से गिर रहे होते हैं। सही सुना आपने, इस पर पत्थर की बारिश उतनी ही तेजी से होती है जितनी तेज ना आज की तारीख में हमारा कोई स्पेसक्राफ्ट, रॉकेट या बुलेट है। भले ये प्लैनेट अभी हैबिटेबल नहीं है, पर शुरुआत में हमारे साइंटिस्टों को ये हैबिटेबल लग रहा था। अब वो क्यों ये तो मैं नहीं जानता हूँ, बट हाँ आज जो हम जानते हैं वो ये है कि ये प्लैनेट धीरे धीरे करके अपने होस्ट स्टार की तरफ बढ़ रहा है। मतलब इसके अंदर का टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ते जा रहा है, प्लस कभी भी ये अपने स्टार के अंदर समाकर विलुप्त हो जाएगा। वैसे विलुप्त से याद आया, आइए बात करते हैं J147b प्लैनेट के बारे में, जो है तीसरा सबसे स्केरियस्ट। ये प्लैनेट भी कभी भी खत्म हो सकता है, बट सरप्राइजिंगली अब तक नहीं हुआ है। आप ही देख लो इसे, J1407b, a planet with so many rings. Well, ये देखने में कोई scary planet नहीं, बल्कि एक बहुत ही interesting planet लगता है। जिसे देखकर पहले तो आपको ये लगेगा कि ये तो Saturn है, but ये Saturn नहीं है। और ये तो कब का विलुप्त हो गया होता अगर इसके पास rings नहीं होते। अब वो कैसे? उसी पर हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें दो चीजें पता चली कि ग्रेविटेशनल पुल के वजह से प्लैनेट के अराउंड फॉर्म हो रहे रिंग्स ने इसकी जान बचा ली है। मतलब जैसे ही रिंग्स फॉर्म होने लगे, तब प्लैनेट और उसके होस्ट स्टार के बीच की दूरी भी बढ़ती गई। पर जैसे कि हम सभी जानते हैं, रिंग्स फॉर्म तभी होते हैं जब एक प्लैनेट एस्ट्रॉइड्स की डीब्रीज को अपने ग्रेविटेशनल पुल की मदद से अपनी तरफ खींचता है और अपने अराउंड एक ऑर्बिट क्रिएट करता है। और ऐसे ही सिमिलरली इस प्लैनेट की ग्रेविटी ने भी रिंग्स फॉर्म किए, एंड द रेस्ट इज द रिजल्ट। आज इस प्लैनेट के आउटर मोस्ट सर्कमप्लैनेटरी रिंग्स का रेडियस कुछ 90 मिलियन किलोमीटर जितना है, मतलब सैटर्न के रिंग से 640 टाइम्स ज्यादा। बट हाउ? वेल, यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। सिर्फ पेपर में थियरी लिखी हुई है कि ये ऐसे बचा, बट प्रैक्टिकली कैसे वो नहीं पता। और इसीलिए तो कहा था मैंने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है। लेकिन इस मिस्ट्री के साथ ही एक और प्लैनेटरी मिस्ट्री ने 2015 में स्पेस का दरवाजा खटखटाया, और वो प्लैनेट था Gliese 1132b, द प्लैनेट दैट ग्रू अ सेकंड एटमॉस्फेयर। मतलब सिंपल भाषा में समझे तो हमें पता है मार्स के पास भी एटमॉस्फेयर कभी ना कभी था, लेकिन वो कॉस्मिक रेडिएशन से वेयर आउट हो गया। बट फिर अभी अचानक से उसका एटमॉस्फेयर फिर से बनने लगे, तो बस इसी को सेकंड एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो Gliese 1132b पे आज हो रहा है। अब एटमॉस्फेयर का होना इज इक्वल टू प्लैनेट्स का हैबिटेबल होना, और इसीलिए Gliese 1132b को हम कह सकते हैं कि वो अर्थ का डुप्लीकेट है। लेकिन हाँ, सिर्फ साइज में, क्योंकि इस प्लैनेट पर आने वाले स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक रेडिएशंस उसके एटमॉस्फेयर को चीरते हुए सीधा जमीन पर आकर स्ट्राइक करते हैं, या यू समझ लो जैसे वहां पर कॉस्मिक रेडिएशंस की बारिश हो रही है। मतलब अगर हमने उस पार कदम रखा तो जल के राख होना कन्फर्म है। और यही तो रीजन भी है, जब इसकी स्टडी की जा रही थी तब पता चला कि इंटेंस रेडिएशंस ने इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से निगल लिया था।
और अब आप ही सोचो विदाउट एटमॉस्फेयर प्लैनेट का क्या ही हाल होता होगा, खंडर या फिर आग का गोला, राइट? लेकिन ये भी केस नहीं था यहाँ पर। यहाँ प्लैनेट बिल्कुल एक हैबिटेबल प्लैनेट की तरह बिहेव कर रहा था, जो देखते ही साइंटिस्टों के अंदर की क्यूरियोसिटी जाग उठी। उन्हें इतना तो समझ ही गया था कि कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें इस प्लैनेट के साथ हो रही है, पर क्या हो रही है? Well, इस पर विचार विमर्श करते करते थोड़े बहुत साइंटिस्टों का ध्यान इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ गया। तब उन्होंने ये नोटिस किया कि इसका होस्ट स्टार, जो अपने सन के साइज से 20% लार्ज था, ये कमाल उसके ही ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से हो रहा है। स्टार की ग्रेविटी एक इंटेंस टाइडल फोर्स क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से प्लैनेट स्क्वीज और स्ट्रेच हो रहा है, और इसी फ्लेक्सिंग की वजह से मैग्मा सरफेस तक आ पहुंचा है, which gives rise to volcanic eruption. अब volcanic eruption is equal to gases का बाहर explode होना, और gases का बाहर आना is equal to atmosphere का फिर से बनना. Simple, right? पर इसमें भी कितना सच और कितना झूठ है, ये जानने के लिए आज भी साइंटिस्ट इसके केमिकल कॉम्पोजिशन पर काम कर रहे हैं। एंड नाउ फ्रेंड्स, फाइनली आ जाते हैं हम हमारे ब्लैक होल पर, ब्लैक होल प्लैनेट पर। कंफ्यूज मत हो, ये देखो, ये है ट्रेस 2b, द डार्केस्ट प्लैनेट देन एनी अदर प्लैनेट और मून इन द नोन स्पेस, और मे बी ब्लैक होल का भाई, क्योंकि द हार्वर्ड गैजेट के अनुसार ब्लैक होल की तरह ये प्लैनेट भी लाइट को निगल जाता है और उसमें से सिर्फ 1% से भी कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। नाउ आई नो, ये सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली जो चीज आई होगी वो है ग्रेविटी, राइट? पर आपको बता दूं, हमेशा इसके पीछे ग्रेविटी का ही हाथ नहीं होता है। कभी कभी एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स लाइक वेपराइज्ड सोडियम, पोटेशियम और टाइटेनियम ऑक्साइड भी हो सकते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और अगर इस केमिकल से भरे एटमॉस्फेयर पर आपने कदम रखा तो आपके लंग्स एक बलून की तरह फूल जाएंगे और अंत में फट के कोलैप्स हो जाएंगे। बट देयर इज अ कैच, क्योंकि जब इसके एटमॉस्फेरिक सैंपल्स को अच्छे से स्टडी किया गया तब पता चला कि भले उसका एटमॉस्फेयर इस केमिकल से भरा हुआ है, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, जिसका मतलब 20% से ज्यादा लाइट ये एक्सोप्लैनेट में से बड़े ही आराम से रिफ्लेक्ट हो सकता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। Then how is its luminance so low? और ये साइंटिस्टों को मिली हुई एक नई चुनौती है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। सून इसका जवाब हमें मिलना चाहिए, पर चलो ये तो मान लिया कि ये स्केरियस्ट प्लैनेट है। पर क्या आपको पता है सबसे बड़ा स्केरियस्ट प्लैनेट कौन सा है जहां हम रह रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं ना, ये किसी भी वक्त अपना गला घोट सकता है। पर एनीवे फ्रेंड्स, आपको इन सभी प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट हेल यानी नरक यानी जहन्नुम का ट्रू डेफिनेशन लगा, सबसे स्केरियस्ट, कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस वीडियो को देखकर मजा आया, कुछ नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और हाँ फ्रेंड्स, कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। गेट 50% ऑफ यूजिंग गेट्स इट 50 कोड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।